Peace is not waiting for you in a new job or a new family. Yeah, आप अगर ये सोचते हैं कि इत्मीनान आपको तब मिलेगा जब आप किसी अच्छी जो है जॉब कर रहे होंगे तो ऐसा भी नहीं है. Peace is not waiting for you with a new calendar or a new circumstance. और इत्मीनान जो है वो एक नए हालात और नए कैलेंडर का जो है वो आपके लिए इंतजार नहीं कर रहा. Peace is available for us tonight, for He is the path. क्योंकि पीस जो है इत्मीनान जो है वो अभी इसी वक्त भी आपको मिल सकता है क्योंकि मेरा यीशु जो है वो हमें इत्मीनान और हमें तसल्ली देता है. हालेलुया. And so the question is not where are you walking. अब सवाल ये नहीं है कि आप कहां पर जो है आप जो है वो मूव कर रहे हैं कहां पर किस राह पर are you walking. बल्कि सवाल ये है कि आप किस तरह as the people of Jesus in this city. और क्योंकि आप खुदावन्द the promise of Jesus is not perfection, it is satisfaction. मसीह यीशु का जो वादा है कि खुदा हमें बरकतों से जो है वो नवाजता है. And I pray that you would be satisfied in Jesus. और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप मसीह यीशु में राजी और रजामंद रहें. And I pray that you would know the love of Jesus. और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप मसीह की मोहब्बत को जानने वाले बने. And that when the storms of the life of this life are raging around you. और जब भी तूफान आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, you would know that Jesus is at peace, and you too can be at peace with Jesus. और सब आपके इकरार करने वाले बने कि मेरा इत्मीनान देने वाला मसीह है और वो मेरे साथ खड़ा है. Amen. 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 खुदावंद आप सबको बड़ी और भरपूर बरकत दे. That our peace is not determined by our circumstance. और यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमारे हालात जो हैं वो हमारे इत्मीनान का तसल्ली का तायुन नहीं करते. Jesus taught us how to trust the Father and to trust the Holy Spirit. क्योंकि उसने हमें खुदा बाप पर और खुदा रूह कुदस पर भरोसा रखना सिखाया है. हालेलुया. I remember the story of Jesus asleep on the boat in the storm. और मैं जब वो उस कहानी को याद करता हूँ जब यीशु मसीह कश्ती में सो रहे हैं. On the Sea of Galilee, and the storm was raging around, and the disciples were very afraid. और जो है वो गलील की झील में जो है वो कश्ती में सो रहे हैं और लहरें जो हैं वो उस कश्ती की दिशा में जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो खड़ी हुई हैं. And perhaps you have found yourself in a storm where you have felt afraid about life and all that is going on. और आप सबकी जिंदगी में ऐसे कई दफा तूफान आए होंगे जहां पर आप खड़े होंगे और तूफान आपके खिलाफ जो है वो जा रहा होगा. And yet even though the disciples were afraid and even though we are often afraid. और उस वक्त जो है शागिर्द जो है वो घबराए गए थे घबरा चुके थे और बसाओकात हम लोग भी जो है वो इन तूफानों को देखे घबरा जाते हैं. Where we find Jesus is asleep on the boat. और जहां पर अक्सर बात हम देखते हैं कि शागिर्दों ने क्या देखा है कि यीशु मसीह जो है वो कश्ती में क्या है सो रहे हैं. Because Jesus shows us how to have peace in the middle of the storm. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि जब तूफानी लहरें आपके पास हों आपके खिलाफ उठ रही हो तो आपने इत्मीनान कैसे रखना है. आमीन. आमीन. And Jesus promises us that the peace we long for. और यीशु मसीह हमें वो इत्मीनान देता है और उसका उसने वादा किया है वो इत्मीनान जिसकी हमें जरूरत है. Is not just one day in the future. और ये सिर्फ एक महज मुस्तकबिल में एक दिन ही नहीं है. But that peace is available for us to walk in today, for He is the path.
of peace. Amen. Hallelujah. It is easy for us to believe that peace will start next year. और हमारे लिए बहुत आसान है कि हम ये सोचें ओ कोई नहीं अगले साल जेड़ा इत्मीनान दा साल होए. Or perhaps peace will start when I'm not so busy or there are not so many things going on. ये कभी-कभी सोचने हैं कि जब lifetime. क्योंकि वो भी जानता है कि इस जिंदगी में रहते हुए बहुत से दुख और तकलीफ है. There are days where there is chaos all around us. और क्योंकि बहुत से ऐसे दिन हमारे जिंदगी में आते हैं जब हर तरफ जो है वो अफरा तफरी होती है. And you cannot always control the chaos. और हम हर वक्त अपने उन हालात को संभाल नहीं भी पाते. But you can control how you walk. पर हम जो है इस बात का तयन कर सकते हैं कि हम किस तरह चल सकते हैं. Amen. Amen. And by the grace of God, you can still walk in peace. और मैं ये बता दूं आपको कि खुदावंद के फजल में रहते हुए आप इत्मीनान में चलते जाएंगे. Hallelujah. As the people of Jesus in this city. और क्योंकि आप खुदावंद के लोग हैं इस शहर में. You are invited to show the whole world what it looks like to walk in peace. और आप पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि कैसा लगता है कि जब आप इत्मीनान और तसल्ली की राह पर चल रहे हैं. And the Holy Spirit will give you the strength and the humility to do that. और रूह कुछ जो है वो आपको कुवत देगा, आपका मददगार होगा कि आपको इस राह पर चलाए रहे. Amen. I bring one final word. Peace. Peace is not about perfection. इत्मीनान जो है वो कामलियत नहीं है, ये याद रखें. Peace is about satisfaction. बल्कि इत्मीनान जो है वो आपकी आपके दिल को राजी करने का नाम है. आमीन. Perfection is the enemy of peace. याद रखिए, रजामंदी जो है वो इत्मीनान का दुश्मन है. There are times where we are waiting for our lives to be perfect. हम अक्सर बात सबर कर रहे होते हैं, हम वेट कर रहे होते हैं कि कदों खुदावन जेड़ी है मेरी जिंदगी को कामिल बनाएगा. Where we say, if only this would change, or if only that would change. और हम ये बस ये कहते हैं, दूसरी तरफ पॉइंट करते हैं कि ऐनी बदल जाए थे, ऐनी बदल जाए थे, ऐनी बदल जाए. But God never promises us a perfect life. पर खुदावंद जो है हमें एक कामिल जिंदगी के तालुक से वादा नहीं करता है. He does not promise us perfect health. वो कभी ये नहीं कहता कि मैं तुझे जो है वो कामिल तौर पर रखूंगा कि तुझे कोई बीमारी भी हाथ नहीं लगाएगी. Or perfect relationships or family. वो कभी जो है कामिल रिश्तों के तालुक से भी नहीं बताता. And if you are searching for perfection, you will never walk in peace. और अगर आप जो है हर चीज में कामिलियत को ढूंढना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपको कभी नहीं मिलेगी. It says, Jesus says, come to me and I will satisfy you. और लेकिन याद रखें कि मसीह यीशु यही कहता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा. हालेलुया. The promise of Jesus is not perfection, it is satisfaction. मसीह यीशु का जो वादा है वो कामलियत का नहीं है बल्कि रजामंद और इत्मीनान देने का वादा है. And we are invited to be satisfied in Jesus. और हम सबको जो है वो ये जो है हमें invitation मिली है कि हम खुदावंद के पास आएं ताकि हम जो है वो रजामंद होने वाले बने. Amen. Amen. Isaiah chapter 73 verse 26. यसाया जो है उस वो कहता है. Though my flesh and my heart may fail. वो कहता है चाहे मेरा जिस्म और चाहे मेरा दिल जो है वो काम करना छोड़ दे. The Lord is the strength of my life. मैं ये जानता हूँ कि खुदावंद मेरी कुवत है. Hallelujah. And my portion forever. और वो जो है वो मुझे जो है बरकतों से नवाजता है. Hallelujah. When you say that the Lord is your portion. जब हम कहते हैं कि खुदा हमें बरकतों से जो है वो नवाजता है.
You are saying that the Lord is enough for me. तो फिर आप इस बात के करार करते हैं कि मेरा खुदावंद मेरे लिए काफी है. That He is enough to satisfy you. कि वो जो है वो आपको राजी करने के लिए काफी. That He is enough to love you. वो जो है आपको काफी है कि वो ही आपको मोहब्बत करता है. That He is enough to forgive you of your sin. और वो ही काफी है कि आपके गुनाहों को माफ करने वाला है. Hallelujah. And when Jesus is enough for you, you can walk in the peace of Jesus. और जब हम इस बात को सीख लें, समझ लें, जान लें कि मसीह हमारे लिए काफी है, तो हमें इत्मीनान में अपने को रखना है. तो इससे पहले कि हम बच्चों का ड्रामा प्रोग्राम देखें, हम एक गीत बैरागों के साथ मिलकर गाएंगे और इस गीत में हम अपने हड्डियाँ निकालेंगे. हम सभी मिलकर खुदा के नाम को देंगे और हम सब जो है इस गीत में अपने हड्डियाँ निकालने खुदा की हजूरी में.